अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको क्लब सैंडविच बनाना सिखाएंगे। आए हम आपको बताते हैं। हाफ के जी चिकन लिया है मैंने, जिसको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर चुका हुआ था। एक खीरा लिया हमने, ठीक है। टमाटर लिया है, ये गाजर जिसको चॉप कर लिया था हमने, ठीक है। ये बंद गोभी लिया हमने, और ये हमने एग ऑलरेडी फ्राइज कर लिया था, जो नॉर्मली घर में किया जाता है। और ये जो है हमने सलाद के पत्ते लिए। आए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो चिकन था हमारा पाँच के जी, उसको इस बाउल में डालेंगे। ये माइनस डाल रहे हैं इसमें हसबे देकर। ये इसको अभी हम कर लेंगे थोड़ा इसमें। ये इसमें थोड़ी सी हम ब्लैक पेपर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा नमक ले लेंगे हसबे देकर, ठीक है। इसको ये अंक भी डालेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हमें इसमें ये डालना है। ऑलरेडी इसमें नमक और मिर्च मैंने कर दी थी, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ऑलरेडी आपने देख लेना हसबे देकर, थोड़ी सी हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर डाला था और हसबे देकर हमने इसमें नमक डाल दिया था जी। ये अब हम एक स्लाइस लेते हैं। अच्छा, मेरी रिकमेंड है, मैं इस जब क्लब सैंडविच बनाता हूँ तो मैं उसमें चिकन सेपरेट यूज़ करता हूँ, तो आप भी इसको यूज़ करेंगे। उसकी वजह वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें क्लोजली देखें आप, ये इसके अंदर ये जो चंक्स होते हैं ना चिकन के, ये अच्छे लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको यूज़ करने में जी। ठीक है, अब इसके साथ हम ये जो चिकन हमने किया था ये लगा रहे हैं जी दोस्तों। ये इसमें हमने चिकन गाजर बंद गोभी ये वो सारा का मिक्सचर किया था, वो हमने इधर डाल दिया। अब हम इसके अंदर ये क्यूकम्बर डालेंगे। वन स्लाइस ही काफ़ी है टमाटो, एंड अगेन हम इसके ऊपर ये रखेंगे। और जो ऑलरेडी हमने वो एग फ्राई किया हुआ था वो इसके ऊपर रखेंगे, और ये लाल और ये देखें दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रेसिपी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह ये देखें। हाँ, दूसरी बात, अगर आप इसके एज काटना, ये आप पे है, ये मैं इसके भी काट सकता था, लेकिन ये ज़्यादा एज के, एक तो आपकी चीज़ की बचत भी हो जाती है, ज़ाया भी नहीं होती, ठीक है, और इसके साथ भी अच्छे लगते हैं जी। दोस्तों हमारे उधर क्लब सैंडविच रेडी हो गए, और उसकी प्रेजेंटेशन के लिए जो ये फ्राइज हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। उसको डालने से पहले हमने जो ऑयल को जो है उसको गर्म कर लिया था। अब ये देखें, अब हम इसको इसमें डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह ऑयल हमारा इस टाइम, इसको थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। अब इसको हमने हलाना नहीं है, बस इसको 5 मिनट के बाद रिजल्ट आता होता जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखें फ्राइज हमारे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब इसकी हमने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमने ये हमारी ये देखें, ये हमने ऑलरेडी जो है ये रख दी हुई चीज़ें।
इसको हम सैंडल प्लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।